इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक छोटा सा बहुत ही बेसिक टॉपिक, और टॉपिक का नाम है वर्क डन बाय ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि ये जो थर्मल फिजिक्स में हम लोग जो ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं W इक्वल टू इंटीग्रल P इंटू dV, कभी कभी यहाँ लिमिट भी रहता है, V1 से मान लीजिए V2 है, तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के पीछे बेसिस क्या है, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है, इसके पीछे का जो थ्योरी है वो क्या है। ठीक है, मैं बहुत सिंपल वे में अभी लिख रहा हूँ, W इज इक्वल टू पी इंटू डीवी, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, या कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा V। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, इसके पीछे का क्या थ्योरी है, इसी को हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, एकदम बेसिक से हम लोग इसको समझेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा जो ये कोर्स चल रहा है, ये आपका BSc सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का है, जो थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, तो पार्ट ए थर्मल फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 हम लोग कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हीट एंड वर्क डन, तो इसमें हम लोग पहले वर्क डन, हमें वेरियस प्रोसेस में वर्क डन निकालना है, जैसे आइसोथर्मल यानी समतापी प्रोसेस होगा, आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया, ठीक है, एडियाबैटिक हो गया, इन सभी प्रोसेस में यानी जितना थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस होते हैं उन सभी में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, किया गया कार्य निकालना है। लेकिन वो सब तो ठीक है, पहले आपको वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो पता होना चाहिए। देखिए मैकेनिक्स में, जो मैकेनिकल मैकेनिक्स में हम लोग जो वर्क पढ़ते हैं, कार्य बराबर जो वर्क हम लोग पढ़ा जाता है, वर्क W इज इक्वल टू F इंटू डी, यानी बल गुणे विस्थापन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का हम लोग मैकेनिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में जो फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी या पी इंटू डीवी जो होता है विथ इंटीग्रल, इसको पहले हम लोग समझ ले, तभी तो हम लोग वेरियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में वर्क डन निकालेंगे। तो वही आज हम लोग समझने वाले हैं ये फॉर्मूला। तो इसके लिए हम चूंकि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये एक पिस्टन है, पिस्टन मतलब मान लीजिए ये गैस सिलेंडर है, पिस्टन, अब यहां पे ये एक पिस्टन लगा हुआ है, और इस सिलेंडर में, ये सिलेंडर है और सिलेंडर में यहां पे पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन मतलब ये सिलेंडर में इस प्रकार से आगे पीछे खिसक सकता है, जैसे आप लोग वो जो साइकिल में हवा भरने वाला पंप होता है ना, ये इस प्रकार से यहां पे ये पंप होता है, तो ये सिलेंडर हो गया उसका, इसके अंदर ये कोई गैस हवा भरी हुई है, और ये पिस्टन है जो इसमें सिलेंडर में आगे पीछे खिसकता है। अब यहाँ पे ये जो अंदर कोई मान लीजिए यहाँ पे गैस भरा हुआ है, अब इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, समझ में आया, जैसे ये इस पिस्टन को, ये पिस्टन का जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा, जो इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल बनेगा वो है ए। अब यहाँ पे चूंकि इसमें गैस भरा हुआ है, तो इस गैस जो है ये इस पिस्टन पे दाब लगाएगा, एक दाब लगाएगा, ये तो दाब लगाने के कारण ये पिस्टन बाहर की ओर क्या करेगा, खुलेगा, समझ पा रहे हैं। तो यहां पे ये मतलब इस ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पिस्टन पे बल लगाएंगे, और बल यानी फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है, यानी इस पिस्टन पे एक प्रेशर लगेगा। तो मान लीजिए इस प्रेशर लगने के कारण ये पिस्टन जो है वो dx दूरी तक खिसक के अब यहां पे आ गया, तो ये गैस ने इस पिस्टन को dx मोटाई तक, dx दूरी तक इसको खिसकाया, तो इसने कोई कार्य किया, कोई कार्य कार्य हुआ ना। तो यहां पे आप लोग जानते हैं जो बल बराबर क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला भी अभी मैंने लिखा था, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। हम ये F क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्क डन निकालने के लिए हमें चाहिए फोर्स और इंटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दूरी डिस्प्लेसमेंट विस्थापन चाहिए, बल यहां डॉट रहेगा, बल इंटू विस्थापन चाहिए। तो पहले बल निकालते हैं कि ये जो गैस के अणु हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इस पिस्टन पे जब प्रेशर लगाएं तो प्रेशर और फोर्स में क्या रिलेशन है, तो ये जो फोर्स निकल के आएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर जो है, प्रेशर मान लेते हैं पी है, और अभी अभी मैंने बताया कि क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो यहां पे फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, प्रेशर इनटू एरिया, इक्वेशन नंबर 1।
अब हम लोग इस पिस्टन यानी इस गैस के द्वारा इस पिस्टन को डीएक्स दूरी तक खिसकाने में, डिस्प्लेस करने में, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस करने में कितना कार्य करना पड़ा, मान लेते हैं वो कार्य करना पड़ा डी डब्ल्यू, छोटा सा मान लीजिए ये वर्क डन करना पड़ा यहां से डी डब्ल्यू। तो कार्य इज इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एफ इंटू क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट डीएक्स आ गया। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इस बल एफ का मान रख देते हैं पी इंटू ए इंटू डीएक्स। अब यहां पे देखिए, एक आप लोग जानते हैं जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम या जो आयतन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है, लंबाई यानी लेंथ इंटू चौड़ाई, ब्रेथ इंटू हाइट यानी ऊंचाई। तो यहां पे मान लीजिए कोई कमरा है, उस कमरे का ये फर्श है और कमरे का ऊंचाई एच है, तो ये इसका लंबाई मान लीजिए हो गया और इसका ये मोटाई हो गया और ऊंचाई मान लीजिए इसका हाइट है। तो कमरे का जो बेस एरिया बेस है उसका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो ये इसका एरिया दे देगा फर्श का, और एरिया इंटू हाइट ऊंचाई ये वॉल्यूम दे देगा। तो एक कहीं ना कहीं वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है एरिया यानी क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई या मोटाई कर लीजिए, एक आयतन का फॉर्मूला ये भी बनता है। तो यहां पे देखिए ये है क्षेत्रफल इंटू मोटाई, यानी ये पिस्टन को अगर आप देखेंगे तो ये इसका क्रॉस सेक्शन, ये इसका क्षेत्रफल एरिया हो गया, प्लस यहाँ पे ये इतना इसने डिस्प्लेस किया, तो मान लीजिए इतना ये इसका ऊंचाई है। तो ये जो क्षेत्रफल गुणे मोटाई या कह लीजिए ऊंचाई जो यहाँ पे ये बनेगा, ये क्या बनाएगा, ये डायमेंशन बनाएगा वॉल्यूम का। तो ए इंटू डीएक्स जो है वो चेंज इन वॉल्यूम देगा, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि जब ये डीएक्स दूरी तक यहां पे ये गैस डिस्प्लेस किया इस पिस्टन को, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, वॉल्यूम में चेंज हुआ एरिया इनटू दिस थिकनेस डीएक्स, इतना वॉल्यूम में चेंज हुआ। तो यही यहां पे हम लोग यहां वॉल्यूम रख देते हैं, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या बन गया, पी इंटू डीवी। ठीक है, कभी कभी ना इसको ऐसे भी लिखते हैं, मान लीजिए जब यहां पे था ये पिस्टन इस पोजिशन पे था, तो मान लीजिए गैस का वॉल्यूम वी वन था, जब पिस्टन इस पोजीशन पे आ गया तो वॉल्यूम बढ़ के कितना हो गया V2, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, तो वॉल्यूम में चेंज हुआ डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो गया V2 माइनस V1। तो यहाँ पे ये चेंज इन वॉल्यूम, इसका एक और फॉर्मूला बनता है DW, यहाँ पे फिर D को हटा दीजिए, D अभी मत लिखिए, तो ये डेल्टा W बराबर क्या बनता है P इंटू डेल्टा V, या फिर ये प्रेशर इंटू डेल्टा V को हम लोग क्या लिख सकते हैं V2 माइनस V1। तो एक फॉर्मूला आप लोग इसको भी नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, डेल्टा W इक्वल टू P डेल्टा V यानी P V2 माइनस V1 भी एक फॉर्मूला बनता है। अब मान लीजिए इसी को हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं, तो मान लेते हैं इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2, देन इसी फॉर्मूले को हम लोग क्या करते थे, यानी जो गैस का टोटल वॉल्यूम V1 से V2 चेंज होने में कितना कार्य किया जाएगा, तो यहां से दोनों साइड को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और यहां पे V1 से V2 का लिमिट लगा देंगे, और यहां पे DW जैसे आप लोग जानते हैं ये DX का इंटीग्रल क्या होता है X, तो इतने का मान तो DW का मान तो W आ जाएगा, और इधर इंटीग्रल लिमिट ओवर V1 टू V2 P इंटू DV। ये आपको एक बेसिक फॉर्मूला मिल जाएगा जिसको हम लोग यूज करते हैं वर्क डन निकालने के लिए किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। तो देखिए इस फॉर्मूले को किस किस फॉर्म में लिखते हैं, DW इज इक्वल टू P इंटू DV ऐसे भी लिखा जाता है, डेल्टा W इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V ऐसे भी लिखा जाता है, और ऐसे भी लिखा जाता है W इज इक्वल टू इंटीग्रल P इंटू DV और लिमिट ओवर V1 टू V2। ये सारे फॉर्म में इस फॉर्मूले को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां DW या डेल्टा W स्मॉल वर्क डन है ड्यूरिंग चेंज इन वॉल्यूम DV या डेल्टा V, यहां पे W क्या है टोटल वर्क डन है ड्यूरिंग चेंज इन वॉल्यूम V1 टू V2। समझ गया, यहां पे स्मॉल वॉल्यूम DV या डेल्टा V में स्मॉल चेंज के कारण जो वर्क डन है DV या डेल्टा DW या डेल्टा W ये निकाला गया है, इसमें टोटल वर्क डन W निकाला गया है ओवर वॉल्यूम एक्सपेंशन V1 टू V2 के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था वर्क डन का किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, इसको आप याद रखिएगा, इसको मैंने सोचा अलग से आप लोगों को पढ़ा दूं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।